रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को हिंदू नामों से पहचान दिलवाने वाले संदिग्धों की एटीएस को तलाश, पश्चिम बंगाल का है सिंडिकेट। रोहिंग्या व बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने के बाद उन्हें हिंदू नामों से नई पहचान देकर विदेश भेजने वाले सिंडिकेट तक पहुंच चुके एटीएस ने अब उनके स्थानीय मददगारों की तलाश भी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी के कई शहरों तक फैले इस गिरोह से जुड़े कई संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव व हिंसा की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। इसके बाद ही एटीएस ने एक बार फिर घुसपैठियों की पड़ताल तेज की है। इसी कड़ी में नेपाल सीमा पर बसे कई संदिग्धों के बारे में भी गहनता से छानबीन कराई जा रही है। एटीएस ने जून 2021 में संत कबीर नगर से जब सबसे पहले रोहिंग्या अजीजुल हक को गिरफ्तार किया था, तब सामने आया था कि उसने यहां फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अजीजुल्लाह के नाम से 2 पासपोर्ट, आधार कार्ड व अन्य प्रपत्र बनवा रखे थे। उसने फर्जी राशन कार्ड, मार्कशीट व प्राथमिक पाठशाला के ट्रांसफर सर्टिफिकेट का प्रयोग करके ये भारतीय दस्तावेज बनवाए थे और उसके खातों में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों व विदेश से लाखों रुपए आए थे। बाद में रोहिंग्या अजीजुल के फर्जी दस्तावेज बनवाने में मददगार रहा नगरपालिका खलीलाबाद का संविदा कर्मी अब्दुल मन्नान भी पकड़ा गया था। अब मामले की जांच जारी है।